नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इसमें आप देखेंगे कि एक कंडक्टिंग लूप दिया गया है जिससे कि कोई करंट पास कर रहा है और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, ठीक. और उसको थोड़ा सा ऊपर करके छोड़ देते हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए और उसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए तो मैग्नेट जो है वो ऑसिलेशन शुरू करता है. वैसे ही ये जो लूप है यही एक छोटा सा डायपोल जैसा बिहेव करता है, जैसे मैग्नेट जैसा बिहेव करता है. तो अगर इसको भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए, अगर रोटेट करके छोड़ दिया जाएगा तो ये ऑसिलेशन करता है, यानी कि एंगुलर एसिलेशन और फॉलो करने लगता है. तो इसमें पूछा गया कि उसका टाइम पीरियड क्या है. एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा. इसको कहा गया स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर हैज रेडियस ए एंड कैरीज करंट आर. इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. देखिए ये इसका प्लेन हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके का है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक. आगे कहा गया परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन सच दैट when rotated slightly about its diameter and released start performing simple harmonic motion of time period t. If the mass of the loop is m, then time period जो है वो हमें find करना है. तो magnetic field यहाँ पर ऐसे है, suppose ये इसका एक diameter है जिसके about इसको rotate करके छोड़ा जाएगा. हमें पता है कि इसका magnetic dipole moment होता है वो भी plane के perpendicular होता है ना? तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी मैग्नेट को हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट को थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं ऐसे, इसको छोड़ते हैं तो ओसिलेशन करता है. तो उस केस में इसको टॉर्क लगता है. कितना टॉर्क लगता है? ए बी साइन थीटा. बिल्कुल ऐसा ही केस यहां भी है. इसमें ये जो लूप है इसका अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है और ये होता है आई इंटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड बी है टू साइन थीटा. ये होगा एक्चुअली में ये रिस्टोरिंग टॉर्क है. इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे, ये जो डायमीटर है डायमीटर के अबाउट रोटेट करके छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन शुरू करेगा, है ना. तो इसमें ये जो है आई करंट है और चूंकि इसमें थीटा हम लोग स्मॉल लेंगे तो ये हो जाएगा आई पाई आर स्क्वायर बी इंटू थीटा फॉर स्मॉल थीटा. थीटा रेडियन में हो, छोटा सा हो तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, ठीक. अब इसको कंपेयर करेंगे आई ओमेगा स्क्वायर थीटा से, ठीक. तो इसमें मैं करंट जो है करंट को ले ले आई लेने देते हैं, करंट यही है. तो इसको हम लोग जानते हैं कि अगर एंगुलर एसएचएम होता है तो एंगुलर एसएचएम में इसको कंपेयर करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा स्क्वायर थीटा से. आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो थोड़ा सा सिंबल मैं चेंज देता हूं. यहां पर करंट है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसको कंपेयर करेंगे, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है और रिस्टोरिंग टॉर्क एंगुलर एसएचएम में ये होता है. तो कंपेयर करेंगे तो आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आई पाई आर स्क्वायर बी. मोमेंट ऑफ इनर्जी इस डायमीटर के अबाउट लेंगे तो ये आएगा ए इंटू आर स्क्वायर बाई टू, क्योंकि रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्जी डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू होता है. ओमेगा स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर बी, है ना. तो यहां से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा का वैल्यू आएगा 2 पाई आई बी डिवाइडेड बाई एम का, है ना, ये आ जाएगा ओमेगा. तो टाइम पीरियड हम लोग निकालते हैं 2 पाई बाई ओमेगा करके, तो यह आएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई 2 पाई आई बी आना चाहिए, है ना. ये जो 2 पाई है इसको हम लोग रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, अंदर ले जाएंगे ऊपर हो जाएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाई आई इंटू बी. तो
देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन में है, ये सेकेंड ऑप्शन देखेंगे अंडर रूट 2 पाई एम बाई आई भी है, तो ये यहां पर करेक्ट ऑप्शन है।